हेलो फ्रेंड, पेटल कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग सिंपल पेपर क्लास 10 मैथ्स से क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि अब मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मैंने यहाँ पे डायग्राम से देखिए, मान लीजिए एक नदी है जो इस डायरेक्शन में ऐसा बह रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए नदी का जो स्पीड है वो वाई किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें एक मोटर बोट है, मान लीजिए एक मोटर बोट है ऐसा। ये मोटर बोट आगे भी चलता है, मतलब नदी के बहाव के विपरीत दिशा में भी चलता है। तो मान लीजिए इसका जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है और ये नदी के बहाव में भी चलता है। तो देखिए क्या होगा, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि नदी अगर इधर बह रहा है और बोट जो है अप स्ट्रीम में जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, है ना। और नदी जब वो नदी के बहाव के साथ जब बहेगा तो उसका स्पीड जो है नदी के बहाव की स्पीड के साथ जुड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि हम लोग को नदी के बहाव के हिसाब से इस क्वेश्चन का डायग्राम के हिसाब से हमको समझना है। तो अब क्वेश्चन बोलता है कि एक मोटर बोट जो है वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब इस डायरेक्शन में 16 किलोमीटर चलता है और इस डायरेक्शन में चलता है वो 24 किलोमीटर, कितने घंटे में, 6 आवर्स में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोलता है कि वो अप स्ट्रीम चलता है 12 किलोमीटर और डाइन स्ट्रीम चलता है 36 किलोमीटर, ये भी 6 आवर में। तो हमको फाइंड आउट करना है स्पीड स्टिल वाटर, माने जब पानी स्थिर है उसमें, और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करना है स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है कि पानी किस स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मान स्थिर पानी में जो बोट का स्पीड है मान लीजिए क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है पानी का जो बहाव है उसका जो स्पीड है ये वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए केस वन में क्या है, केस वन में बोलता है कि वो 16 किलोमीटर नदी के बहाव के विपरीत दिशा में जाता है और 24 किलोमीटर नदी के बहाव की दिशा में जाता है। तो इन केस वन टाइम जो है उसका 6 आवर है। तो मान लीजिए इसमें टाइम हम लोग को कांस्टेंट दिया हुआ है, तो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में जाएगा, माने अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो जो है नदी के बहाव ऊपर में जाएगा तो बहाव जो है उसके स्पीड को कम कर देगा, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसमें कि एक्स वाई का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले चलिए इसमें केस वन में हम सिचुएशन को जमाते हैं। तो हम लोग को मालूम क्या है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें 16 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लेगा वो, तो 16 किलोमीटर के लिए लेगा वो 16 अपॉन x माइनस y, और 24 के लिए लेगा 24 डिवाइडेड बाई x प्लस y। तो ये इक्वेशन के हिसाब से हम लोग इसको सेट करेंगे। तो 16 अपॉन x माइनस y प्लस 24 अपॉन x प्लस y इक्वल टू टाइम आ जाएगा 6 आवर, क्योंकि इस डिस्टेंस को कवर करता है अप स्ट्रीम में और इस डिस्टेंस को कवर करता है 24 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, लेकिन दोनों में जो टोटल टाइम लेता है वो 6 है, ठीक है। अब इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। अब इन केस टू में सेम केस है, सेम चीज़ है। तो केस टू में क्या हो रहा है, देखिए आप कि वो 36 किलोमीटर को स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है और 12 किलोमीटर को स्ट्रीम के अगेंस्ट में जा रहा है। तो इसको फिर से सेट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई x माइनस y प्लस 36 डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, ये इक्वेशन इसको टू दे दीजिए। अब नाउ लेट वन अपान एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड वन अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। मान लीजिए हम लोग वन अपान एक्स माइनस वाई को यू मान रहे हैं और वन अपान एक्स प्लस वाई को भी मान रहे हैं, तो सो 16 यू प्लस 24 भी इक्वल टू 6, और केस टू में जब रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 12 यू प्लस 36 भी इक्वल टू 6। ये हम लोगों को ये इक्वेशन इसको थर्ड ले लीजिए और इक्वेशन इसको फोर ले लीजिए। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर है ना, इक्वेशन फोर से अगर हम लोग डिवाइड कर दें 6 को दोनों टाइप दोनों तरफ तो हो जाएगा 12 यू अपान 6 प्लस 36 भी अपान 6 इक्वल टू 6 अपान 6। तो 6 टू जो 12 टू यू, 6 वन जा 6, 6 जा 36 और 6 वन जा 6 वन जा तो हो जाएगा 2u प्लस 6 भी इक्वल टू 1, आर 2u इक्वल टू 1 माइनस 6 भी, आर u इक्वल टू 1 माइनस 6 भी डिवाइडेड बाई 2 है ना। पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, तो 16 इंटू 1 माइनस 6 भी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24 प्लस 24 भी इक्वल टू 6। तो 2 वन जा 2, 2 एट जा 6। अब इसमें देखिए फिर ये दोनों तरफ 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4, 1 माइनस 6 भी प्लस 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 भी इक्वल टू 6। तो 2 वन जा 2, 2 3 जा 6। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 माइनस 24 भी प्लस 12 भी इक्वल टू 3। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस 12 भी इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, आर भी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 12 इक्वल टू 1 अपॉन 12। तो देखिए यहाँ से हम लोग को भी का वैल्यू मिल गया। नाउ पुटिंग भी इक्वल टू 1 अपॉन 12 इन यू इक्वल टू 1 माइनस 6 भी बाई 2, 1 माइनस 6 भी बाई 2 में हम लोग भी का वैल्यू 1 बाई 12 पुट कर रहे हैं, तो यू इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 12 बाई 2। तो 6 वन जो 6, 6 टू जो 12, तो और सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस 1 इसका एलसीएम 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2 अपॉन 1 ऊपर चला जाएगा तो ये 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 4। तो यहाँ पे देखिए भी का वैल्यू अपने को क्या मिला, भी इक्वल टू मिला 1 अपॉन 12 और यू इक्वल टू मिला 1 अपॉन 4। अब अगर आप ध्यान देंगे तो भी का यू का वैल्यू क्या है, यू इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और यू क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, और भी क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, सॉरी 1 अपॉन 12 और ये 1 अपॉन 4। ऐसा है, ये हम लोगों ने पहले से माना था है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। तो इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 5 और इक्वेशन 6 दे दीजिए है ना। अब एडिंग इक्वेशन 5 विथ इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, तो वाई वाई कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल टू 16, आर एक्स इक्वल टू 16 बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर है ना। 16 x का वैल्यू 8 आ गया। अब पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में इसको पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा 8 माइनस वाई इक्वल टू 4, आर माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4, आर वाई इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर ठीक है। तो इसमें देखिए अब x को हमने क्या माना था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर था,
जो अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया ये 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरा जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई है ये हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस लंबे क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में समझा है और सॉल्व किया है, और हम लोगों को आंसर मिल गया एक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और वाई इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, गाइस, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। चैनल देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।